हेलो, मैं साक्षी तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में। आज यहाँ पर मैं बहुत ही अलग बात करने वाली हूँ कि मैं कैसे बुक्स को रीड करती हूँ, या मेरा जो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश इम्प्रूव नहीं है, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो कैसे करें, उसके लिए मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया, कैसे प्रैक्टिस किया और मेरा इंटरेस्ट जो है वो कैसे जागा बुक्स की रीडिंग की तरफ। और आज का टाइम ये है कि मैं 1 मंथ में एटलीस्ट 1 बुक को रीड करती हूँ। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 1-2 महीने में कोई भी एक नई बुक मंगा के मैं उसको जरूर पढ़ती हूँ। और मैं सारी बुक्स पढ़ती हूँ, मतलब सारे इन द सेंस यू कैन से कि रिलेटेड, जैसे कोई पॉलिटिकल अफेयर्स वाली जो बुक्स आती है उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। इंग्लिश में स्टोरी बेस्ड मैं बुक्स को काफी पढ़ती हूँ। जैसे कि अभी मैं करेंटली एक बुक पढ़ रही हूँ, वो है हमारी स्टोरीज वी नेवर टेल, सभी शर्मा के बारे में है। योर शी इज फीमेल ऑथर। तो ऐसे में छोटे छोटे जो ऑथर्स हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत बड़े ऑथर की बुक पढ़ो या उनके बारे में ही पढ़ो जो पहले कुछ कर चुके हैं या उनकी बुक्स बहुत बेस्ट सेलर है। बहुत छोटी छोटी स्टोरीज बुक पढ़िए जिनमें आपको मजा आए, इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि आप यदि सोशल मीडिया और इन सबसे बाहर जाएंगे ना, तो बुक्स एक ऐसी लाइफ है, या बुक्स की जो दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ बुक्स, वो बहुत अलग है। और उसमें आपका जो इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा ना, उससे आपकी बहुत सारी चीजें स्ट्रांग होने वाली है। फर्स्ट आपका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट बहुत अच्छा होगा, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होगा। यदि आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है तो आप जो लॉजिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो अच्छे से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका साथ में इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, और बहुत सारे एग्जाम्स में हिंदी भी आती है तो आपकी हिंदी भी इंप्रूव होगी। क्योंकि ये तो मुझे समझ में आ गया है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, और यहाँ पर अब जब मैं पढ़ा रही हूँ सब जगह मुझे समझ में आ गया कि आपको रीड करना पड़ेगा। विदाउट रीडिंग आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। मीन्स आप ग्रामर पढ़ लोगे वो अलग बात है, आपको ग्रामर समझ आ जाएगा, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट आपका आता है एग्जाम में, जिस कॉन्टेक्स्ट बेस पे आपको सेंटेंस मिलते हैं, स्पेशली ग्रामर में आरसी जो आपको मिलता है, वो आपको रीडिंग से ही समझ में आएगा। जब आप रीड करोगे ना तो आपको समझ आता है कि कैसे। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि द हिंदू पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के पढ़ो, उसका मतलब आप एडिटोरियल पढ़ते रहो, नहीं आता इंटरेस्ट। मीन्स आई लाइक रीडिंग, बट मैंने कभी द हिंदू का एडिटोरियल नहीं पढ़ा। मैंने ट्राई बहुत किया उसको पढ़ने का, बट मुझे कभी भी वो समझ नहीं आया और नहीं इंटरेस्ट आया। सबसे बड़ी बात, समझ आपको तब आती है चीजें जब आपका इंटरेस्ट आता है। बिना समझे आपको इंटरेस्ट आएगा, मतलब इंटरेस्ट के बिना आप समझ नहीं सकते। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे, मतलब 2020 जब लॉकडाउन हुआ और जब सारी चीजें बंद हो गई थी, अपन घर पर थे, तब मैंने फिर से कैसे अपनी इस हॉबी को बढ़ाया और कैसे बुक्स पढ़ना चालू करी। ये वीडियो सिर्फ आज बुक्स के बारे में होगा। मैं आपको बहुत सारी बुक्स सजेस्ट करने वाली हूँ जो मुझे भी कहीं ना कहीं से सजेशन ही मिले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी बुक ऐसे खुद ही जाके स्टोर पे या ऑनलाइन जाके सर्च किया और उसके बारे में बस पढ़ लिया। जैसे कि एक बुक है गुड वाइफ गुड लाइफ, ये बुक बहुत अच्छी है। आप इसके बारे में बिल्कुल भी देख सकते हैं और जा सकते हैं कि कैसे ये बुक पढ़े, मतलब रीडिंग बहुत अच्छा है मुझे ऐसे लगता है। और बुक रीड करिए, जब आप ऐसे नहीं कि मैं ऑनलाइन इसकी स्टोरी सुन लूंगा या फिर ऐसे किंडल पर रीड कर लूंगा, नहीं, ऑडियो बुक्स पे नहीं। यदि आपको बहुत इंटरेस्ट है या सीरियसली कुछ करना है ना, तो आप बुक्स को ही पढ़िए। और ये आपको ऐसे नहीं है कि आपको ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारा मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग के भी आपको बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन मैं उसके लिए भी बोलती हूँ, मैथ्स के लिए, जैसे क्वांट के लिए अपनी है सर्वेश वर्मा की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लॉजिक समझ में आने लगेंगे कि ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है। स्टोरीज वी नेवर टेल, तो अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ, जो भी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है उन बुक्स की मैं आपको समरी बताने वाली हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट जागे। मैं पूरा नहीं बताऊंगी, बस मैं बताऊंगी कि इस बुक की स्टोरी क्या रही, या स्टोरी का प्लॉट किस बेस पर है, ये बुक किस तरह आपको ले जा रही है, उससे आपके साथ क्या होने वाला है कि जब आप ये सुनेंगे ना कि कहाँ स्टोरी जा रही है या कैसे जा रही है, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, आपका इंटरेस्ट अपने आप जागेगा। तो ऐसे मैं वीक में 2 या 3 वीडियो लेके आऊंगी, 2-3 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं बुक्स के लिए, 1 या 2 वीडियो होंगे।
जिसमें मैं आपको स्टोरीज बताऊंगी और उसके बाद समरी जब मैं आपको बता दूंगी कि ऐसे इस बुक का प्लॉट है, ये कहाँ जा रही है बुक, तो आपका अपने आप उसमें इंटरेस्ट जागेगा। मैंने भी जो बुक्स पढ़ना चालू किया वो ऐसे ही किए पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे शोज आते हैं यूट्यूब पे जो मिलते हैं जो बुक्स की स्टोरीज बताते हैं, या फिर जब बुक की लॉन्च होता है तो उस टाइम उनका जो ऑथर का इंटरव्यू होता है उसमें वो बताते हैं कि ये यहाँ पर आपने ये लिखा हुआ है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस पैराग्राफ में आपने ये जिक्र किया हुआ है, यदि ये सब बताते हैं ना तो उससे आपका इंटरेस्ट आता है। ऐसे मैं बहुत सारे चैनल्स को ऑब्जर्व करती हूँ या मैं उनको सुनती हूँ देखती हूँ और मैं फिर उसके बाद डिसाइड करती हूँ, वहां से ही मैं डिसाइड करती हूँ, क्योंकि वो सारे चैनल बहुत जेन्युइन है, कहीं भी आपको फेक कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे फेक चीजें बहुत सारी है। उन सबसे बचने के लिए उन चैनल्स की जब मैं स्टोरीज आदि देख लेती हूँ कि इन्होंने इंटरव्यू में ऑथर से क्या क्या क्वेश्चन करे, फिर क्या होता है जब वो क्वेश्चन उन्होंने आधे कर लिए हैं तो आपको समझ आता है कि नहीं ये बुक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है, उसको पढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और अब मैं ये जो सीरीज रहने वाली है, बुक्स समरी रहेगी, सीरीज का नाम रहेगा बुक्स समरी, वो मैं जरूर लेके आने वाली हूँ। फर्स्ट जो होगी वो होगी द 1000 स्प्लेंडेड सन। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके मतलब राइटर ने जो स्टोरी लिखी हुई है कैसे क्या होता है, एक लड़की का स्ट्रगल है, एक लड़के का स्ट्रगल है, वो कैसे कैसे अपना काइंड ऑफ लव स्टोरी भी है ये, कि वो कैसे अपने आप को साथ में लेके जाते हैं, वो लड़की कितना स्ट्रगल करती है एट द एज ऑफ 4 ईयर ओल्ड, जब वो 4 साल की रहती है, उसके बाद से जब वो 18-20 साल 10 साल, मतलब हर एज में उसका स्ट्रगल दिखाया गया है कि उसने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे एट द एंड वो मिल जाती है उस लड़के को, मतलब वो अपनी लाइफ का जो लव होता है उसको मिल ही जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसे मेरे पास बहुत सारी है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा रोमांटिक या लव स्टोरी बुक्स होने वाली है, बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जो बहुत काम की बुक्स हैं, मतलब जैसे कि ये गुड वाइफ गुड लाइफ ये वाली बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। द सीक्रेट मैंने पढ़ी हुई है, मीन्स जो मैंने बुक्स पढ़ना एक्चुअली स्टार्ट किया था, जो इंटरेस्ट जागा था वो द सीक्रेट से ही जागा था, और उसके पहले बस मैं ऐसे नॉवेल्स पढ़ती थी, हिंदी वाले नॉवेल्स पढ़ती थी, उसमें मुझे बहुत मजा आता था। जैसे मैंने प्रेमचंद को बहुत पढ़ा है, प्रेमचंद के नॉवेल्स पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता था, उनकी स्टोरीज अच्छी लगती थी और बचपन में वही मिलते भी थे पढ़ने, तो उनको बहुत पढ़ा है। तो इस हिसाब से अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, मतलब सारी बुक्स जो मैंने पढ़ी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो स्टोरीज है मैं उनको शेयर करूँ सब तक, और सब इनको सुने, और उसके बाद अब जो रीडिंग और राइटिंग हैबिट अपनी खत्म होती जा रही है डिजिटलाइजेशन के कारण, उसको मैं फिर से मतलब ऐसे कि कहीं तो कुछ करें हम, ऐसे ही मैं ये सीरीज लेके आने वाली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।